आदाब नाजरीन, जी सलाम में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपके साथ सैफाली सैफी। क्या कहता है कुरान में, आज हम बात करेंगे सब्र की। जिंदगी कभी एक सी नहीं रहती, कभी खुशियों की महफिलें सजती हैं, कभी मसर्रतों की बज्म आरास्ता होती है। खुशियों की बारिशों से एहसासात और जज्बात भीग जाते हैं, जश्न की खुशबू से दिल और रूह मुअत्तर हो जाते हैं, और कभी ऐसा भी होता है कि गमों के पहाड़ टूट पड़ते हैं, नाकाबिले बर्दाश्त रंजो गम सहने पड़ते हैं। परेशानियां इतनी परेशान करती हैं कि जिंदगी जीने का जी नहीं चाहता। हर वक्त हारा हुआ एहसास सताता है, जिंदगी बोझ सी लगने लगती है, दुनिया में जी नहीं लगता, जिंदगी को छोड़ देने का मन करता है। यानी कभी उतार तो कभी चढ़ाव, कभी उरूज तो कभी जवाल, कभी नशीब तो कभी फराज। खुशियों और गम की खींचतान में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी जिंदगी थम जाती है, ना खुशियों का एहसास ना गमों की परवाह। इन तमाम जिद्दोजहद में कामयाबी उसी का मुकद्दर बनती है जो सब्र का दामन मजबूती के साथ थामे रहता है, तहम्मुल से काम लेता है, शुक्र का इजहार करता है, शिकवा और ना शुक्री से अपने आप को दूर रखता है, ना खुशियों में झूमता है और ना दुखों में घबराता है। दीन इस्लाम ने, कुरान ने, पैगंबर आजम की सीरत ने भी सब्र और शुक्र की तालीम दी है। कुरान शरीफ में 70 से ज्यादा मुकामात पर सब्र का जिक्र किया गया है और तमाम भलाइयों को सब्र से ही मासूब किया गया है। कुरान की तालीम यही है कि जब जुल्म किया जाए तो सब्र से काम लो, और जब हुकूमत हासिल हो तो आदल और इंसाफ का कानून नाफिज करो। अल्लाह के नबी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र देखिए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सब्र देखिए, और हजरत इमाम हुसैन का सब्र करबला में देखिए। सब्र की तलकीन और तालीम हर मजहब और हर नजरिए में दी गई है, लिहाजा जैसे भी हालात हो घबराना नहीं है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि सब्र का फल मीठा होता है, सब्र रंग जरूर लाता है। आज बात इसी मौजू पर करेंगे, क्या कहता है कुरान में। हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद रहेंगे जिनसे तमाम जो पहलू हैं सब्र के वो जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें हमारे साथ कौन खास मेहमान होंगे। हमारे साथ इल्म हुनर फाउंडेशन के चेयरमैन और इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती मंजूर जिहाई साहब सब्र के मौजू पर तफसील से बातचीत करेंगे। तो आज सब्र के मौजू पर हम बात करेंगे, क्या कहता है कुरान में। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। तो सब्र के तमाम पहलू हैं, कई पहलुओं पर सब्र की बात की जाती है और कुरान में कई बार जिक्र किया गया है। और अगर बताएं तो सबसे पहले जो कहा जाता है, इन्नल्लाहा मास साबरीन, यानी यकीनन अल्लाह सब्र करने वाले के साथ है। तो बार बार ये जिक्र आप सुनते होंगे, लोग बड़े हमारे और जितने भी जो दीन को फॉलो करते हैं या जो सब्र में विश्वास रखते हैं उनकी जबान से आपने हमेशा सुना होगा इन्नल्लाहा मास साबरीन, यकीनन अल्लाह सब्र करने के वाले के साथ है। तो सब्र से क्या कुछ आप हासिल कर सकते हैं और कितनी इसमें शिद्दत है कि सब्र के साथ तमाम चीज हासिल की जा सकती है, इसी पर तफसील से हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनका रुख भी करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जिंदगी कभी भी एक सी नहीं रहती, कभी खुशियां आती हैं जिसमें हम खुशियां मनाते हैं और गम भी आता है। तो यानी ये सोचकर मायूस नहीं होना है, कुछ लोगों की जिंदगी में गम लंबे वक्त तक चलता है तो वो सोचते हैं, वो मायूस हो जाते हैं, वो नाखुशगवार रहने लगते हैं, खुशियों से दूर रहने लगते हैं और बहुत मायूस हो जाते हैं, और कुछ ऐसे कदम भी उठाने की कोशिश करते हैं जिनसे बहुत मायूसकुन जो पैगाम है वो आवाम तक पहुंचता है। तो सब्र के क्या मायने हैं और सब्र कब आपकी जिंदगी में एक मिसाल बन सकता है और कितनी चीजें आपकी जिंदगी की तब्दील हो सकती हैं सब्र के साथ, इसी पर क्या कहता है कुरान में हम रोशनी डालेंगे। और आपको बता दें कि किस तरीके से इंसान परेशानियों से परेशान हो जाता है, जिंदगी जीने को उसका जी नहीं चाहता, हर वक्त वो ऐसा महसूस करता है
कि कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी खराब होती जा रही है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है। बहुत से लोग इतने ज्यादा मायूस हो जाते हैं कि वो अपना दीन से कहीं ना कहीं उनका दिल उठ जाता है कि नहीं, अब खुदा हमारी नहीं सुन रहा है, इतने मायूसकुन वो हो जाते हैं। लेकिन सब्र की अहमियत कुरान में कई बार जिक्र किया गया है और तमाम पैगंबर का हमने जिक्र किया। अगर बात करें तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र देखिए, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सब्र देखिए, हज़रत इमाम हुसैन का सब्र देखिए करबला में। तो अरबी में सब्र के माने बर्दाश्त के हैं, काम लेने से खुद को रोकना और बाज रखने से। शरीयत में सब्र का महफूम भी है। तो इस्लाम की रोशनी और तालिमात में सब्र क्या है? नफसाती ख्वाहिश को कंट्रोल करना भी सब्र है। अक्ल पर गालिब ना आने का मायना भी सब्र है। हुदूद से तजावुज ना किया जाए, सब्र के अमल में इरादे की मजबूती। यानी कभी कभी कुछ ऐसे वाक्य आपकी जिंदगी में आते हैं जब सब्र का इम्तिहान होता है, आप मायूस हो जाते हैं, आप सब्र का जो दामन है वो छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। इतनी परेशानियां आपके सामने आती हैं कि आप कहीं ना कहीं इतने मायूस हो जाते हैं कि अब सब्र का दामन छूट जाएगा ऐसा लगता है। तो किस तरीके से इस्लाम की रोशनी में तालीमात में सब्र का जिक्र किया गया है, तमाम सहाबा ने इस सब्र का जिक्र किया है और सब्र के तमाम वाक्य हमने देखे हैं, किस तरीके से वो सब्र का दामन थामे रहते थे और किस तरीके से दीन पूरी दुनिया में फैला, सब्र का भी बहुत इसमें अहतमाम रहा है। सब्र व शुक्र, यानी सब्र का जो दूसरा मायना है वो शुक्र भी है। आप शुक्र भी करते रहें और सब्र भी कहीं ना कहीं आपके साथ बना रहेगा।